हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आर मोस्ट फेवरेट एजुकेशनल चैनल दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स सो स्टूडेंट्स यहाँ हम आपको किंडर गार्डन मीन्स के से क्लास ट्वेल्व तक आपका पूरा सिलेबस देते हैं दैट टू हंड्रेड परसेंट फ्री Yes, और अब हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको बुक्स और ई बुक्स भी मिलेंगे जिसमें जो कंटेंट है उसको हमने और बेहतर बनाने के लिए कुछ कैटेगरी जैसे कि सैंपल पेपर सोल्यूशन बुकलेट्स एमसीट्स एंड मैनी आपको यह बुक्स चाहिए तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है उसे फिल करिए और सबमिट करिए जैसे ही आप सबमिट करेंगे हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी ओके स्टूडेंट तो चलिए माई डर क्लास वन स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं आपके इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड में जो टॉपिक उसका नाम है वर्ब्स राइट इसके हम बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व कर चुके हैं तो जल्दी से बताइए कि वर्ब्स होते क्या हैं यस स्टूडेंट्स एनी सॉर्ट ऑफ एक्शन आप जो भी एक्शन करते हो वो आपका वर्ब होता है राइट स्टूडेंट्स एनी एक्शन आपकी लाइफ में आप जो भी एक्शन करते हो खाते हो पीते हो प्लेइंग ईटिंग स्लीपिंग डांसिंग सिंगिंग सब क्या होता है वर्ब होता है है ठीक चलो हम इसके और एग्जाम्पल देते हैं तो हमें चीजें और क्लियर हो जाएंगी राइट सो लेट्स सी क्वेश्चन क्या है हमारे पास चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द गि ऑप्शन यहां पे हमें करेक्ट वर्ब चूज करना है जो हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करता हो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ठीक है तो देखो द बल्ब बल्ब तो पता है आपको बल्ब क्या देता है हमें लाइट देता है ना सो द बल्ब फ्लाइज क्या बल्ब फ्लाई होता है शाइन्स करना चमकना बर्न्स जलना एंड ग्लोज सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोज हियर ग्लो द यहां पे द करेक्ट वर्ब इज ग्लोज तो ग्लो क्या आएगा क्योंकि बल्ब क्या होता है जलता है बट हमें लाइट देता है ना ग्लो करना माने लाइट देना विदाउट प्रोड्यूसिंग द स्मोक देखो कोई चीज जब जलती है तो उसमें स्मोक निकलता है धुआं निकलता है ठीक है शाइन मतलब तो होता है चमकना लेकिन बल्ब क्या कर रहा है हमें लाइट दे रहा है विदाउट प्रोड्यूसिंग द स्मोक तो ग्लो का मतलब क्या होता है गिविंग द लाइट विदाउट प्रोड्यूसिंग द स्मोक सो हियर द एग्जैक्ट वर्ब इज द बल्ब ग्लोज ओके स्टूडेंट्स बल्ब ग्लोव राइट तो बल्ब के साथ यहां पर कौन सा वर्ब आएगा ग्लोव ठीक है द बल्ब ग्लोव राइट ओके स्टूडेंट चलो नेक्स्ट देखते हैं तो समझ गए आप द बल्ब ग्लोव नाउ द नेक्स्ट इज अ फ्लार ठीक है अ फ्लार एक है हमारे पास ऑप्शन ब्लून मैंने खिलना फॉल्स मैंने गिरना कट माने कट होना राइट माने तो राइड करना ठीक है तो क्या होगा फ्लावर क्या होते हैं फ्लावर खिलते हैं सो आंसर विल बी अ फ्लावर ब्लूम्स अ फ्लावर ब्लूम्स ओके स्टूडेंट्स फ्लावर क्या होते हैं खिलते हैं तो खिलना भी एक एक्शन है ठीक है सो अ फ्लावर ब्लूम्स जैसे ग्लो भी एक्शन था अ बल्ब ग्लोज ठीक है वैसे ही अ फ्लावर ब्लूम्स तो जब भी आप किसी के साथ सेंटेंस uh, यूज करोगे कि देखो कितने सुंदर फूल खिले हैं तो आप क्या बोलोगे वा वॉड एन आर ब्लूमिंग ठीक है माने कितने सुंदर फ्लावर खिले हैं सो हियर इट विल कम अ फ्लावर ब्लूम्स ओके स्टूडेंट्स नाउ सी द नेक्स्ट वन द मून अब मून क्या होता है द मून शाइन्स द मून स्पार्कल्स आपने देखा दिवाली में जो हम फुलझड़ियां जलाते हैं वो स्पार्कल होती है ना तो उसे कहते हैं स्पार्कलिंग ठीक है लाइट्स एंड बर्न्स तो मून क्या करता है चमकता है है ना तो the moon shines. ओके शाइन्स तो मून के साथ हमारा कौन सा वर्ब यूज होगा द मून शाइन्स ओके स्टूडेंट्स द मून शाइन्स जैसे फ्लावर के साथ ब्लूमिंग था बल्ब के साथ ग्लो था वैसे मून के साथ क्या होगा शाइन्स ओके चलो द नेक्स्ट वन रेन रेन क्या होती है द रेन फॉल्स है ना बोलते हैं ना द रेन इज फॉलिंग बारिश गिर रही है ठीक है सो द रेन फॉल्स फ्लाइज नहीं होगा फ्लोज नहीं होगा बर्न्स नहीं होगा फ्लाइज माने उड़ना फ्लो माने बहना बर्न्स माने जलना तो रेन बारिश के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है बारिश गिरती है ठीक है तो द रेन फॉल्स ओके स्टूडेंट्स द रेन फॉल्स राइट चलो आगे बढ़ते हैं नहीं अर्थ क्या ग्लो करता है नहीं अर्थ करता है, आएगा रिवॉल्व क्या आएगा अर्थ के साथ रिवॉल्व ओके राइट स्टूडेंट दी अर्थ रिवॉल्व रिंग्स नहीं शाइन्स नहीं ग्लो नहीं दर्थ रिवॉल्व रिवॉल्व ओके स्टूडेंट अर्थ घूमता है ठीक है चलो अब बोट नाउ बोट क्या करती है सेल करती है अ बोट इज सेलिंग राइट बोट फ्लो नहीं करती स्विम नहीं करती रन नहीं करती अब बोट सेल्स ठीक है अब बोट सेल्स राइट स्टूडेंट्स तो ऐसे ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम पर्टिकुलरली वही यूज करते हैं ठीक है सो अ बोट सेल्स राइट बोट फ्लोट नहीं करती स्विम भी नहीं करती हम स्विम करते हैं लेकिन बोट सेल करती है ठीक है स्टूडेंट्स चलो आगे बढ़ते हैं यस yes. ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फार्मर अब देखो किसान क्या करता है स्टिचेस फार्मर स्टिचिंग करता है नो no. ठीक है फार्मर वॉश करता है नो फार्मर ट्रीट करता है नो फार्मर प्लाउ द फील्ड माने वो खेती करता है ओके okay, स्टूडेंट्स तो फार्मर के साथ हमारा कौन सा वर्ब यूज होगा प्लाउ ओके अ फार्मर प्लाउ द फील्ड ओके स्टूडेंट्स राइट अ फार्मर प्लाउ द फील्ड रिमेंबर ठीक है स्टूडेंट्स सो अ फार्मर द फील्ड अ ब्रूम ब्रूम मतलब झाड़ू तो झाड़ू क्या करती है झाड़ू क्या रिंग्स रिंग Ring बनाती है क्या सेल करती है नो no. क्या फ्लोट करती है नो अब्रूम स्वीप्स माने झाड़ू से हम झाड़ते हैं ठीक है स्विपिंग करना ठीक है झाड़ू लगाना अब्रूम स्वीप्स ठीक है अब्रूम sweeps sweeping right students now see the next one a parrot tota tota kya scream karta hai chillata hai no a parrot talks kya tota baate karta hai yes a parrot runs no a parrot chirps no a parrot talks right students parrot kya karta hai इंसानों को imitate करता है ना हमारी तरह वो बोलने की कोशिश करता है so a parrot talks, right? नासीद द नेक्स्ट वन यस अ स्पेड स्पेड माने अह कहते ना जिससे अपन खोदते हैं जैसे कि फावड़ा है ना फावड़ा से क्या करते हैं कोई भी चीज खोदते हैं ठीक है सो so, उसे हम बोलते हैं स्पेड तो स्पेड से क्या करते हैं मिट्टी को खोदते हैं तो कट नहीं करते रन नहीं करते डिग करते हैं ठीक है ठीके? तो फावड़ा से डिगिंग द मड माने मिट्टी को खोदते डिग करना खोदना सो अ डिग्स ओके स्टूडेंट्स अस्पेड डेक्स राइट स्टूडेंट्स तो यहां हमने क्या किया हमने करेक्ट वर्ब को चूज किया ठीक है जैसे कि द अबल्ब ग्लोव राइट रेन फॉल्स बोट सेल्स तो ऐसे ही कुछ वर्ड वर्ब्स है जिन्हें हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में भी यूज करते हैं तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स राइट आप इसको लर्न करो और अपनी कॉमन लैंग्वेज में यूज करने की कोशिश करो ओके ओके स्टूडेंट्स तो ये थी हमारे ऑफ़ वर्ब्स okay, आप अच्छे से एग्जाम्पल देखो उन्हें अच्छे से पढ़ लो और प्रैक्टिस करो ओके okay, स्टूडेंट्स तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पर मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर और मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर भी ओके okay, स्टूडेंट्स फिर मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ टिल देन बाय टेक केयर